नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मकर संक्रांति में सब लोग खिचड़ी तो खाते हैं, आज मैं आप लोगों को एक अलग तरह की मसाला खिचड़ी बनाना बताती हूँ। ये मैंने चावल लिया है, चावल को धोकर रख लिया है, उसमें मूंग की दाल लिया है और थोड़े से टमाटर ले लिए, थोड़े फ्रांस बीन ले लिए, मटर ले लिए हैं, गाजर है, थोड़ा सा गोभी लिए ली है और हरी प्याज है, हरी मिर्ची है। आप लोगों के पास जो भी सब्जी हो आप वो ले सकते हैं और नमक अपने स्वाद अनुसार और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है। सबसे पहले मैं इसको कुकर में रख देती हूँ। दाल और चावल को मिला करके, पानी मिला करके कुकर में रख देती हूँ। जब तक मेरी खिचड़ी बनकर तैयार होती तब तक मैं मसाला बना लेती हूँ। अब देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं। इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी, ये थोड़ी सी प्याज डाली, फ्रांस बीन है और गाजर। गोभी डाल दिए हैं, ये सब्जियों को थोड़ा पकने देते हैं। और मटर भी डाल दिए, थोड़ी देर उसके लिए ढककर रख देते हैं। हेलो फ्रेंड, ये देखिए खिचड़ी पककर तैयार हो गई है और ये सब्जी भी पक गई है। मैं इसको इसमें मिला देती हूँ। मैंने इसके लिए गर्म पानी करके रखा हुआ था, इसमें थोड़ा सा पतली करने के लिए गर्म पानी मिला दी। हेलो फ्रेंड, देखिए पककर तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और गरम मसाला डाल देते हैं। आप लोगों को पसंद आए तो बनाइए, खाइए और मुझे लाइक भी करिए। थैंक यू।